और देखिए कांग्रेस के जो ये प्रत्याशी हैं अजय माकन, इनका अब जीतना लगभग तय माना जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी अब कांग्रेस ने दूर कर ली है, यानी कि पूरे 31 विधायक अगर वोट दे देते हैं कुलदीप बिश्नोई को मिलाकर 31 वोट अगर मिल जाते हैं तो अजय माकन राज्यसभा पहुंच सकेंगे। और ये बड़ी खबर आपको लगातार हम बता रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी दूर हो चुकी है, कांग्रेस के लिए ये राहत की खबर है। बता दें कि आज सुबह 9 बजे से राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी। हालांकि राज्यसभा की 57 सीटों में 4 राज्यों की सिर्फ 16 सीटों पर चुनाव होंगे, क्योंकि बाकी की 41 सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए जाएंगे। चार राज्य, 16 सीटें, 21 उम्मीदवार, 802 वोटर। चार राज्यों की 16 सीटों पर 21 उम्मीदवारों की दावेदारी ने राज्यसभा चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। आज इन्हीं 21 प्रत्याशियों में से 16 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके भाग्य का फैसला हो जाएगा। इनमें अगर राज्य के हिसाब से देखें तो महाराष्ट्र में कुल 6 सीट है जबकि उम्मीदवार 7, वहां 1 सीट पर पेच फंसा हुआ है। वहीं राजस्थान में राज्यसभा की 4 सीटें खाली हैं, जिन पर 5 उम्मीदवारों ने दावा ठोका है, यहां भी 1 सीट पर मामला फंस गया है। हरियाणा में कमोबेश सूरत ऐसी ही है, 2 सीटों पर 3 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। चौथा राज्य कर्नाटक है जहां चुनाव होने वाले हैं, यहां 4 सीटों के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। यानी इन 4 राज्यों में माननीयों के वोट बेहद अहम है, अगर उनका ईमान डोला तो नतीजे चौंकाने वाले आ सकते हैं। इसलिए इन सभी राज्यों में पार्टियां कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हैं। नतीजा ये हुआ है कि वोटिंग से पहले इन विधायकों को महंगे महंगे आलिशान रिजॉर्ट में रखा गया है। शहर अंग्रेजी लगे हैं। वो बहुत दूर है। प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम। बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। Thank you.
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।